यानी हमारे हरदिल अजीज नॉर्थ जोन के एजुकेशन इंस्पेक्टर जनाब डॉक्टर मुश्ताक शेख साहब का तारुफ पेश करना है। वैसे तो रिस्पेक्टेड सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सर कई बड़े ओहदों पर फायज रह चुके हैं, तो मैं बिना ताखीर जनाब शकील रायन सर HM ऑफ आदर्श विद्यालय को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि वो आए और सर का तारुफ पेश करें। सूरज हूँ जिंदगी की दमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की दमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, रह रह कर मुझको पढ़ेंगे वरक वरक, मैं तजुर्बात के वो सबक छोड़ जाऊंगा। सर्वप्रथम सर हमारे शिक्षक निरीक्षक होने के साथ साथ दो और कार्यभार संभाल रहे हैं, शिक्षण अधिकारी योजना और जिला उप मुख्य आयुक्त स्काउट एंड गाइड। इस तरह से सर अपने कंधों पर तीन तीन जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। यहाँ सर मराठी में आपने मराठी भाषा में PhD की हुई है, यहाँ आने से पहले जिला परिषद अहमदनगर में कार्यभार उठा चुके हैं, गट शिक्षण अधिकारी अहमदनगर में रह चुके हैं, प्राथमिक जिला परिषद पुणे आपने वहां का भी कार्यभार उठाया हुआ है पहले, और 3 साल पहले यहाँ से सर जब गए तो सिंधुदुर्ग गए, वहां पे सारे हालात सुधारने के बाद में फिर से हमारे बीच में सर उपस्थित हैं, तो मैं अपनी तरफ से अपने तमाम मुख्याध्यापक की तरफ से सर का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सर इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमें अश्विनी मैडम को ही बिना लोगों मैडम स्वागत करेंगे मुश्ताक सर का। बिना लोगों मैडम स्वागत करते हुए मुश्ताक सर का साल ट्रिपल और एक छोटा सा उपहार बोर्ड की तरफ से। धन्यवाद सर, धन्यवाद लोगों मैडम। अब मैं पवार सर को आवाज दूंगा यहाँ आए, और हमें नए नए मिले हुए हमारे सरपरस्त खाड़े सर, अच्छा ये गोंद मैडम की तरफ से एक सम्मान स्वरूप Thank you.
इसके बाद हमारे बीच उपस्थित है हमारे एल वार्ड के शिक्षण उपनिरीक्षक जी खाड़े सर। खाड़े सर बीएससी मैथ है, एमपीएससी से सिलेक्टेड होकर आए हुए हैं। यहाँ आने से पहले शिक्षण संचालनालय पुणे में कार्यरत थे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद में कार्य किया है उन्होंने, धुलिया में इससे पहले कार्य किया है, रायगढ़ में अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया हुआ है और उससे पहले जिला नंदुरबार में भी अधीक्षक थे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा खाड़े सर का और निकुम सर से गुजारिश करूंगा कि यहाँ आए और खाड़े सर का